हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग MPPGT के लिए प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे और उनके जो की फैक्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी हुई उसकी ऑटोबायोग्राफी है जो MPPGT के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। आइए आज हम लोग इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। देखिए तो लाइन टू लाइन समझेंगे, देखो क्या है, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में जैसे आप चैप्टर को बहुत अच्छा तरीके से समझ पाए। PGT लेवल पर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना होता है, उसके की फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझने पर ध्यान देना होता है। एक्चुअली इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला क्या बताने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला को जब प्रेसिडेंट चुना गया था 1994 में, तो उस समय पर उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था। ये चैप्टर उनकी स्पीच का ही एक यानी क्या है कुछ भाग है जो आपको पढ़ने को दिया गया है। तो क्या कहने, देखो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10th में 10 मई का दिन जो था डॉन, डॉन का मतलब यहाँ क्या है सुबह, कैसी थी ब्राइट का मतलब एकदम चमकीली और आसमान बिल्कुल साफ था, क्लियर नज़र आ रहा था। यानी कि 10 मई का ही वो दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई थी। तो ये उसी दिन की बात है और वो वही एक स्पीच है जिसको आपको बता रहे हैं कि 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन आसमान बिल्कुल साफ था, सुबह एकदम क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कई दिनों से क्या हुआ था कि आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो देखिए क्या बोलते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कई दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसीज्ड, मुझे बड़े प्लेजेंटली का मतलब बड़े आराम से, ओके बड़े प्यार से मुझे क्या किया गया था, बेसीज्ड घिर लिया गया था मुझको। बेसीज का मतलब क्या है, सराउंडेड बाई डिग्निटरीज, यानी कि जो राजनयिक नेता जो लीडर जो लोग थे उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। वर्ल्ड लीडर्स, और सब लोग कौन थे, देश विदेश से आप कह सकते हैं कि पूरे संसार भर के नेताओं ने लीडर्स ने मुझको घेर रखा था। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो मुझे अपना यानी कि सम्मान मुझे पे करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन। यानी कि इनॉग्रेशन किसको कहा जा रहा है, उद्घाटन, इनॉग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं उद्घाटन, और उद्घाटन से क्या मतलब है, जिस दिन नेल्सन मंडेला एज ए प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे उस दिन को क्या कहा जा रहा है, इनॉग्रेशन। तो उस इनॉग्रेशन से, उस उद्घाटन से पहले ये सब लोग मुझे सम्मान देने के लिए उपस्थित हो रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और मंडेला क्या बताते हैं कि इनॉग्रेशन वुड बी, ये इनॉग्रेशन जो है ना वो कैसा होगा, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी यानी क्या होगी, यहाँ पर लोगों की भीड़ होगी। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, और कैसे लोग होंगे यहाँ पर, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के यानी के लीडर्स यहाँ उपस्थित होंगे, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल यानी साउथ अफ्रीका की इस धरती पर। द सर्मनीज यूनिट टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। क्या था, द सर्मनीज टुक प्लेस, यानी कि ये जो समारोह था ना, ये समारोह कहाँ हुआ था, इन द लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की यानी कि एम्पीथिएटर, एक एम्पीथिएटर नाम की जगह पर हुआ था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नाम की जगह पर एम्पीथिएटर नाम का यानी क्या था, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का नाम था एम्पीथिएटर, जो कहाँ बनी हुई थी, इन प्रिटोरिया के अंदर, बनाई किसने थी, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई एम्पीथिएटर नाम की एक बिल्डिंग में ये समारोह प्रिटोरिया के अंदर हो रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, क्या बताते हैं, फॉर डिकेड्स यानी कि कई दशकों से क्या हो रहा था, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये जो है ना वाइट सुपरमेसी का मतलब जो श्वेत जो लोग थे, ओके जो श्वेत लोग थे उनकी ये सीट थी, यानी कि इस सिंहासन पर, इस सीट पर उन्हीं का अधिकार था, कई दशकों से वही लोग इस सीट को चलाते आ रहे थे। अच्छा देखो एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो जातिवाद है,
भेदभाव है जाति का, कोई ऊंचा कोई नीचा इन चीज़ों को समझते हैं, बट ऐसा देखेंगे तो आप यानी क्या है हमारे कंट्री से जब बाहर जाएंगे आप तो वहाँ कोई कास्ट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन भेदभाव वहाँ पर भी है, और भेदभाव किसके ऊपर है, ब्लैक एंड वाइट का। तो ध्यान रखिएगा ब्लैक एंड वाइट के भेदभाव को ही इस चैप्टर में वो ख़त्म करने की बात करते हैं, और इस बात को ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उस लड़ाई को इन्होंने आखिरकार जीता। तो क्या बता रहे हैं देखो कि फॉर डिकेट्स दशकों से, डिकेट्स कहते हैं दशक, दशक का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स। तो दशकों से क्या होता आ रहा था कि ये जो सीट थी ना ये सुपर वाइट सुपरमेसी थी। वाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वेत यानी कि सफ़ेद यानी गोरे लोग, तो गोरे लोगों की यानी क्या है सीट हुआ करती थी, उन्हीं का अधिकार हुआ करता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, लेकिन अब क्या था, अब तो यहाँ पर यानी कि रेनबो गैदरिंग, रेनबो का मतलब डिफरेंट यानी क्या है कलर वाले लोग यहाँ पर यानी कि उपस्थित थे। एंड नेशंस इन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और वो सब लोग कहाँ, नेशंस देखो, एंड यू नो नेशंस इन फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है यू नो उसे स्थापित करना। तो ऑफ साउथ अफ्रीका इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली और डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल का मतलब गैर प्रजातिक गवर्नमेंट को बनता हुआ देखने के लिए, और यहाँ डिफरेंट कलर जातियों के देशों के लोग यानी क्या कर रहे थे, यहाँ आकर के उपस्थित हो रहे थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jainani. क्या कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम, उस यानी क्या है लवली का मतलब सुंदर से, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ के उस दिन, उस पतझड़ के यानी क्या मौसम के उस दिन में, आई वॉज एकम्पनीड, मेरे साथ में थी कौन, बाई माई डॉटर जैनानी, यानी कि मुझे संगति मिली हुई थी किसकी, उसकी पुत्री जैनानी की। ओके, तो आप ये नाम भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि मंडेला की जो डॉटर थी उसका नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए उसकी डॉटर का नाम क्या है, जैनानी। तो बता रहे हैं कि उसकी पुत्री जो जैनानी थी ना वो भी उसके साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं तख्त, आप कह सकते हैं स्टेज, ऑन द पोडियम यानी कि स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क यू नो वॉज फर्स्ट सोन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लार्क को और क्या किया गया, फर्स्ट स्वर्ण सबसे पहले यानी कि उनको शपथ दिलाई गई, और वो भी कैसे, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क को पहले, सबसे पहले उनको शपथ दिलाई गई। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ व्यक्ति यानी क्या है एमसीक्यूज क्वेश्चन में गलतियाँ करता है, तो आप इस बात को अच्छा तरीके से जानते हैं कि हम गलतियाँ तभी करते हैं जब हमने चैप्टर की जो लाइनें हैं लाइन टू लाइन अगर हमने अच्छा तरीके से एक्सप्लेन उसकी नहीं सुनी हुई है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम किसको शपथ दिलाई गई थी, हु वॉज यू नो फर्स्ट शोन, पहले किसको शपथ दिलाई गई थी, तो मिस्टर डी क्लर्क, और मिस्टर डी क्लर्क को ध्यान रखना पहले शपथ दिलाई गई थी लेकिन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, देन तब क्या हुआ उसके बाद। अरुण देखो जरा क्या हुआ इसमें, देन क्या हुआ, थाबो मवेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद से क्या हुआ, थाबो मवेकी, ध्यान रखेंगे दूसरा नेम है थाबो मवेकी, वॉज स्वॉन इनको शपथ दिलाई गई, वो भी कैसे, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तो पहले यानी क्या है डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो मवेकी को शपथ दिलाई गई, और सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को दिलाई गई, राइट। अब क्या बोलते हैं, देखिए व्हेन इट वाज माय टर्न, और अब ये मेरी बारी थी, कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दोनों को शपथ दिला दी गई, उसके बाद अब फिर मेरा नंबर आया, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, क्या कहते हैं, आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने वादा किया टू ओबे, पालन करने का, किसका, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को मानने का, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और अपने आप को समर्पित करने का, किसके लिए, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिकन, इस यानी क्या है रिपब्लिकन, इस गणतंत्र के लिए, इस साउथ अफ्रीका के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने का वादा किया, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के प्रति, तो साउथ अफ्रीका इस रिपब्लिकन के लिए, इस गणतंत्र के लिए और इसके लोगों के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने का वादा यानी कि प्रतिज्ञा की, टू द असेंबल्ड गेस्ट और वहां पर उपस्थित, वहां पर एकत्रित हुए सभी जो अतिथिगण थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और ये पूरा संसार जो उसे देख रहा था, तो ये देखता हुआ पूरा संसार, आई शेड, मैंने कहा
टुडे, ऑल ऑफ अस यू नो डू, आज हम सब लोग डू बाय आवर यू नो प्रेजेंस हियर, आज हम सब लोग यहाँ अपनी उपस्थिति से क्या है, कन्फर ग्लोरी, कन्फर ग्लोरी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कन्फर का मतलब है हम प्रदान करते हैं ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न का मतलब अभी अभी नई पैदा हुई इस आज़ादी को नई उम्मीद देने का हम क्या करते हैं, वादा करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड यू नो टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच यू नो ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। क्या कहते हैं, देखिए कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि उस असाधारण अनुभव से, ह्यूमन डिजास्टर यानी कि मानव के जो डिजास्टर हुआ है ना, व्यक्ति का, समाज का, मनुष्य का जो डिजास्टर हुआ है, प्रलय हुई है, जो विनाश उसका हुआ है, उसके लिए क्या है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय पहले हुआ था, मस्ट बी वॉर्न, आज वो फिर से यानी क्या है, उसका जन्म होना चाहिए, आ सोसाइटी ऑफ विच, एक ऐसी समाज का जन्म होना चाहिए विच ऑल ह्यूमैनिटी, जैसे पूरी मानवता को क्या हो, विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो, ऐसी यानी क्या है समाज की हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्थापना करने, फिर से हम लोग ऐसी स्थापना करेंगे। क्या कहते हैं, देखिए, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज यू नो टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। क्या कह रहे हैं, देखो, वी यानी कि हम लोग, हु वर आउटलॉज, जो कि हमको क्या है, वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, आउटलॉ का मतलब होता है हमको अलग कर दिया गया था, ओके, अलग कर दिया गया था। देखो, एक अलग क्यों कर दिया गया था, इनको एक सिस्टम बताता हूँ आपको, इस चैप्टर के थ्रू आप लोग पढ़ेंगे। अपार्थिड क्या है, एक सिस्टम का नाम है अपार्थिड, और वो सिस्टम क्या करता था, अपार्थिड वॉज ए सिस्टम दैट मेक्स दैट सेपरेट्स द ब्लैक पीपल फ्रॉम द वाइट पीपल, ओके। तो ये वही कह रहे हैं कि देखो, हुवर आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब हमको बाहर कर दिया गया, हमको अलग कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन ऐसा बहुत समय पहले नहीं हुआ था, हैव टुडे बीन गिवन, लेकिन आज हमें फिर द्वारा से, और वही प्रिविलेज यानी क्या, वही प्रिविलेज अब हमको फिर से प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द यू नो वर्ल्ड, और इस संसार के बहुत सारे यानी क्या है कंट्रियों से आने वाले जो लीडर्स हैं, उनको होस्ट करने का हमें फिर से ये सम्मान मिला है, ऑन अवर ओन सॉइल, अपनी ये खुद की धरती पर, अपनी खुद की इस धरती पर अब हमें फिर द्वारा से, और क्या है, उन सबको बड़े सम्मान के साथ होस्ट करने का, उनकी मेजबानी करने का फिर से एक मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर यू नो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ यानी उन सबका, अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर यानी क्या है, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे विभिन्न और हमारे जो प्रमुख इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं, हम उन सब की क्या करते हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसलिए करते हैं कि वो अपने जहां से चल करके हमारे लोगों के साथ यहां बैठने के लिए आए हुए हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये एक साधारण सी जीत है, और किसकी जीत है भाई, विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये न्याय की जीत है, फॉर पीस शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवता की सम्मान की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, क्या बोलते हैं, वी हैव, हमने प्राप्त कर लिया है एट लास्ट, आखिरकार क्या, अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन कहते हैं आजादी को, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, हमने आखिरकार क्या कर लिया है, राजनीतिक आजादी को हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला क्या कहते हैं, वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं अवर सेल्फ, अपने आप से, खुद से, टू लिबरेट, के हम आजाद कर देंगे किसको, ऑल अवर पीपल यानी अपने सभी लोगों को, और कहाँ से, यू नो फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी लगातार चली आ रही इस गरीबी के इस बंधन से हम उनको क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, आजाद कर देंगे। हम लगातार काफ़ी समय से चली आ रही इस आज़ादी से, और अपने इन लोगों को आजाद करने का यानी इनको आज़ादी देने का हम क्या करते हैं, वादा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए आगे,
पॉवर्टी, आगे लिखा है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित रह जाना, यानी अब तक जो अधिकार इनको मिले चाहिए तो उनसे वंचित रहे वो दिलाएंगे। सफरिंग का मतलब कष्टों से इनको आज़ादी दिलाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर का मतलब है लिंग भेद जो होता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य जो भेदभाव है, इन सब से हम क्या करेंगे, इनको आज़ादी दिलाएंगे। देखो फिर से बता देते हैं, ग्लैन समझना। वी प्लीज अवर सेल्फ, हम अपने आप से क्या करते हैं, हम खुद से प्रतिज्ञा करते हैं टू लिबरेट के हम आज़ादी देंगे ऑल ओवर पीपल, अपने सभी लोगों को। और किन से देंगे, लगातार चली आ रही, काफ़ी समय से चली आ रही इस गरीबी के बंधन से मुक्त कराएंगे, उनको जो वंचित रहे अब तक उनसे हम उनको आज़ादी दिलाएंगे, सफरिंग कष्टों से आज़ादी दिलाएंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और अन्य प्रकार के भेदभावों से हम उनको आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। क्या कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर, नहीं कभी नहीं और फिर कभी भी नहीं, अगेन शैल इट बी दैट, ऐसा अब फिर कभी द्वारा नहीं होगा। दिस ब्यूटिफुल लैंड की ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस कि फिर द्वारा से कोई अनुभव करे, किसका, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा। क्या है ऑपरेशन का मतलब, है एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का शोषण किया जाना। अब ये धरती कभी द्वारा से ऐसा अनुभव नहीं करेगी, यानी इस धरती पर अब द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। क्या कहते हैं, देखिए द सन शैल नेवर सेट, ये सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतना शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये मनुष्य की, ये व्यक्तियों की इतना शानदार उपलब्धि है कि इस शानदार उपलब्धि का सूर्य अब कभी भी द्वारा अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो आज़ादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका का भगवान, यानी कि भगवान अफ्रीका का क्या करे, भला करे, भगवान आशीर्वाद दे अफ्रीका को। क्या कहते हैं, देखिए, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल के बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन एव एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप यूनोकैरियर्स रॉड इन द परफेक्ट यूनिफॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। क्या कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स इन लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, अ फ्यू मोमेंट्स कुछ पलों के बाद, तो कुछ पल, कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज, हम सब ने अपनी आंखों को, अपनी नजरों को उठाया, इन एव का मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर के, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो आर्मी थे ना, उनके जो जेट्स थे, उनके जो जहाज थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरियर्स, सब क्या करते, रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो एकदम दहाड़ते हुए, तेज आवाज करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकर के घूमने लगे, उड़ने लगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ, यानी कि जो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री जो थी उसकी ताकत का दिखावा ही नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज इन योर लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि ये तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब एक धरना था ऑफ मिलिट्रीज, यानी कि साउथ अफ्रीका की मिलिट्री की, और लॉयल्टी का मतलब उसके विश्वास का, और किसके प्रति, टू डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र के प्रति, तो प्रजातंत्र के प्रति साउथ अफ्रीका की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी की ये वफादारी का धरना था एक, टू अ न्यू गवर्नमेंट, इस नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको एकदम आज़ादी के साथ और सुंदर तरीके से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ पल पहले, the highest generals of South African Defence Uniforms and Police, their chest, you know, bedecked with ribbons and medals from days, you know, gone by, saluted me and pledged their loyalty. क्या कहते हैं कि कुछ समय पहले से highest general of South African Defence Force, South Africa की army के जो बड़े बड़े general थे वो, and police, और police भी, their chest, you know, बेडेक्ड विद रिबन्स, जिनके चेस्ट पर, जिनके सीने पर क्या थे, उनकी उपलब्धियों के रिबन्स लगे हुए थे, एंड मेडल्स, मेडल्स थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय, और वो कब से थे, पुराने समय से, बहुत पहले से थे, सैल्यूटेड भी, लेकिन आज उन सब लोगों ने मुझे क्या है, सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी,
और उन्होंने भी अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से बिल्कुल भी यानी कि बेखबर नहीं था, मुझे ये बात बिल्कुल याद थी। कौन सी? द नॉट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले ओके दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट ट्रस्टेड मी, कि इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था कुछ साल पहले, बल्कि इन्हीं लोगों ने मुझको क्या किया था, अरेस्ट किया था। आज यही लोग मेरे को क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, ये बात मैं भूला नहीं था, मुझे याद था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्सन लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। देखो भी तो देखिए क्या कहता है कि फाइनली अ शेवरन, फाइनली यानी कि आखिरकार अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, अच्छा ये जेट जो होते हैं ना जहाज की जो नेम है इम्पाला जेट्स, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, उससे यानी कि जब उड़ रहे थे तो उनसे एक काले रंग का ओके काला रेड ग्रीन ब्लू इन सब यानी कि कलरों के धुएं उनसे निकल रहे थे, गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग और उनके साथ साथ यानी क्या है सुनहरे रंग का चमकता हुआ साउथ अफ्रीका का झंडा भी लहरा रहा था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड यूनिफॉर्मली बाई द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, क्या था द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, अच्छा वो जो दिन था वो सिम्बोलाइज था, वो प्रतीक था फॉर मी मेरे लिए, किस बात का, द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम, हमारे देश के दो पुराने यानी कि जो नेशनल एंथम थे, जो राष्ट्रीय यानी कि गान थे उनको गाया गया, एंड द विजन ऑफ वाइट सीनो सिंगिंग निकोशी शिकलेल अफ्रीका, यानी कि जो वाइट लोग थे उनका जो एंथम था वो क्या था, निकोशी शिकलेल अफ्रीका, ये उन्होंने गाया, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने अपना जो नेशनल एंथम था जिसका नाम है डाई स्टेम ये गाया। दोनों ने वाइट और ब्लैक दोनों लोगों ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग जो नेशनल एंथम था ना वो गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और डाई स्टेम जो है ना वही ओल्ड है, वही पुराना इसका यानी कि नेशनल एंथम है रिपब्लिक का। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन दोनों में से कोई भी ग्रुप उस जो एंथम था नेशनल जो एंथम था उसकी लिरिक्स उसके तालमेल को कोई नहीं जानता था। दे वंस यू नो डेस्पाइज्ड, एक बार जिसे वो कभी यानी कि घृणा करते थे, दे वुड सून नो, वो बहुत जल्दी से ये जान गए द वर्ड्स यू नो बाई हार्ट, यानी कि बहुत जल्दी से वो उनके शब्दों को बाई हार्ट का मतलब उन्होंने अपने हृदय से स्वीकार कर लिया, उन्होंने उनको याद कर लिया। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।